ओमकार जी, आप बार बार ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि जहां पर हाथ डालेंगे वहां हाथ काले हो रहे हैं और इस कदर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब ये पूरी जो लड़ाई है ओमकार जी, ये अदालत में चल रही है और अब विकास पर कम ध्यान, निजी मामलों पर ज्यादा ध्यान सरकार का हो गया है, ये आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मसला यह है कि इनको सत्ता के बगैर इनको नींद नहीं आती है। और जिस जिस प्रदेश में इनकी शासन नहीं है, जिस प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, उस प्रदेश की सरकार को ठीक करने के लिए तरह तरह के प्रोडंडा लोग रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं और उसी का परिणाम एक झारखंड प्रदेश भी है जैसे सरकार बनी है, तब से इन लोग षड्यंत्र रचने का काम लगातार कर रहे हैं और इसमें इन लोग का षड्यंत्र के हिसाब से ये काम हो रहा है और इस तरह से अपना सरकार को स्थित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो नियम संगत भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसको बाजे बाजे से टूल देकर और एक नया लोगों को विभ्रमित करने के लिए, लोगों में एक नया संदेश देने के लिए और कानूनी परचन को अर्चन को लाने के लिए ये लोग एक प्रोपेगेंडा इन लोग षड्यंत्र रचने का काम किया है और बहुत सारा चीज है और समय के साथ जीत जो होगा सत्य की जीत होगा, अच्छाई का जीत होगा और जो भी षड्यंत्रकारी है वो तो षड्यंत्र करने वाले स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या भ्रष्टाचार ओमकार जी प्रदेश में नहीं हो रहा है क्या? आज देखिए, आज देश में जो हालात है, स्थिति है, महंगाई का हालात है, हालात पर कौन बोलने वाला है? इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता इनसे पूछिए कि भैया पूरा देश में आज इस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, आज इस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, 1,006 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया झारखंड प्रदेश में, ये प्रदेश में 6 रुपया दाम 106 रुपये 1,000 हो गया, दाम बढ़ा लगातार बढ़ रहा है, इस पर इन लोगों को कुछ कहना नहीं है। करुआ तेल इन लोग उसमें कौन पूरा मौन साधे हुए हैं और ये अभी जो लाइक को इन लोग सांप्रदायिक कर कहीं अड़चन कर लाई, कहीं प्रचल कर लाई, कहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा सवाल ये था। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अगर है कार्रवाई है तो सारा कुछ है, भ्रष्टाचार केवल हमारा सरकार 2 साल में हो रहा है ना ओमकार जी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का फूल तो पहले से झारखंड में जो सत्ता का मजा लिए है, सत्ता में रहे हैं उन लोग आज चुप क्यों है और इन लोग सारे लोग षड्यंत्र में लगे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं कि रघुवर जी को प्रसन्न करो, रघुवर जी का प्रशांति को दान करो, कुछ लोग लगे हैं अर्जुन मुंडा को प्रशांति के दान करो, इन लोग सारे लोग हैं जो 5 साल इन लोग पिछला सरकार रही, पिछला सरकार के हालात रहा और उस पर ये काम करने की नहीं करके और इन लोग उसको लाकर और एक नया इन लोग षड्यंत्र खड़ा किया है पूरे राज्य में। भ्रष्टाचार 2 साल में, 2 साल तो हमारा सरकार कोरोना में केवल बीत गया, ये 2 साल का भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है और पूजा सिंगल तो छोटी मछली है, उनसे भी बड़े बड़े मछली है और उन लोग मछली, अरे खदान लीज मामला भी तो चल रहा है जेएमएम ओमकार जी, इनके समय में वो मछली तैरना, खदान लीज मामले को लेकर क्या कहेंगे, उस पर भी थोड़ा 2 शब्द कह दीजिए। क्या किए? खदान लीज का जो मामला है ये भी तो चल रहा है अदालत में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ, क्या किसी को व्यापार करने का किसी को रोका जाएगा? कोई आदमी अगर नेता है तो नहीं, तो फिर झारखंड हाई कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, कड़ी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? कोर्ट ने कहा भाई साफ साफ, विभाग के मंत्री रहते हुए खदान लीज लेना क्या पद का दुरुपयोग नहीं है? देखिए ऐसा है ना, ये कब का मामला है, आज का मामला तो नहीं है, ये मामला तो पुराना है और सारा कुछ शपथ पत्र में दायर किया गया है। देखिए उन्हें शपथ पत्र, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छिपाया कोई बात? बात नहीं छिपाया। तो ये पद का दुरुपयोग है नहीं है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, पद का दुरुपयोग नहीं है, हम जो कह रहे हैं उस पर आइए, शपथ पत्र में दिया हुआ है सारा कुछ, तो बता दीजिए ना उसमें ये जिक्र है कि नहीं है, पद का दुरुपयोग है नहीं है, ये दुरुपयोग वाली बात नहीं है और उसमें खनन भी नहीं हुआ है, वो तो समाप्त। चलिए ठीक है।